लगभग 8 महीने बाद महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खुले हैं और इसी कड़ी में आज मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर हम पहुंचे हैं। यहां पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए किस तरह से मोबाइल ऐप के जरिए जो यहां पर भक्त हैं वो बुकिंग करके आ सकते हैं। और इस वक्त मंदिर की CEO प्रियंका जी हमारे साथ हैं, जरा उनसे जानते हैं पहला दिन है, क्या मुश्किलें हैं, किस तरह से भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले दिन कितने भक्तों को यहाँ पर इजाज़त दी जाएगी? पहले दिन 1000 लोगों को हम लोग पूरे दिन में इजाज़त दे रहे हैं अंदर आने के लिए। 1000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस और जो SOPs दी गई है उसका पालन हम लोग आज पूरा दिन करेंगे। कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हम देखते हैं सिद्धिविनायक मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ सिर्फ मुंबई के लोग ही नहीं दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में कितना मुश्किल होगा कि भक्तों को जो कह रहे हैं 1000 की संख्या हो उसी संख्या में लोग आए, ज़्यादा संख्या में ना आए? कोरोना के चलते हुए तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा तो ये COVID-19 का फैलाव हम लोग रोक नहीं पाएंगे। तो हम लोग लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप कम से कम घर से बाहर निकले। अगर आप आ भी रहे हैं तो यहाँ पे जो मंदिर के हमारे जो नियम हमने रखे हुए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसका पालन तो सबको करना। किन किन चीज़ों की मनाही होगी मैम, जो भक्त आएंगे? पहले हम देखते थे जिस तरह से आसानी से जाकर दर्शन कर पैर छूकर प्रसाद लेते, तो किन चीज़ों की अब मनाही? अभी जब भी भाविक अंदर आएंगे तो उनको सैनिटाइज होके जाना पड़ेगा। हमारा ऑटो मास्क चेकिंग है, ऑटो थर्मल चेकिंग है, अंदर जाने के बाद 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अंदर हमने हाथ पांव धोने की भी व्यवस्था की हुई है, और अंदर जाने के बाद जो 6 फीट के डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही उनको बापा का दर्शन लेना है। कहीं पे भी हम लोग उनको अंदर गर्भगृह में भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग कोई भी प्रसाद कोई भी ऑफरिंग्स नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही प्रयास रहेगी कि लोगों को कहीं पे भी छुए नहीं और उनका दर्शन अच्छे से होकर वो बाहर निकले। ये बताइए अभी 1000 आपने रखा हुआ है भक्त की जो संख्या है, लेकिन क्या इसको मॉनिटर करते हुए और अगर सब कुछ सही से गया तो आगे भक्तों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है? हाँ, ये संख्या ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि हमने जो मंदिर में लोग आते हैं उसके चलते ही हमने ये हमारा ऐप बनाया हुआ है। तो ऐप पर रिस्पॉन्स कैसा है मैम? ये पूरा जो भी चल रहा है ऐप पे ही चल रहा है, तो ऐप पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले दिन के स्लॉट्स तो कुछ घंटों में ही फुल हो चुके हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो मोबाइल यूज़ नहीं करते या जो इन ऐप्स से ज़्यादा अवेयर नहीं, तो वो भक्त क्या करें? उनके लिए हम लोगों ने ऑफलाइन QR कोड जनरेट कर रहे हैं हम लोग, और जिनको कुछ उनके पास मोबाइल है ही नहीं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, तो उनको हमारे लोग गाइड कर रहे हैं, उनको QR कोड दे रहे हैं। लेकिन विदाउट QR कोड कोई भी एंट्री नहीं करेगा, यानी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप दर्शन नहीं कर सकते। बहुत बहुत मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा तो QR कोड नहीं रहेगा तो नहीं, तो दर्शन नहीं कर सकते। आखिर में जो भक्त आना चाहते हैं या फिर नंबर लगा रहे हैं नंबर नहीं लग रहा है, उनसे आप लोग कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि अगर हमारे जो आज हमने 1000 लोगों का हमने सोचा, क्योंकि मंदिर बहुत हार्ट ऑफ द सिटी बहुत क्राउडेड जगह पे है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं हो, इसके चलते लोगों को तकलीफ ना हो। तो आज थोड़ा लोगों ने समझ लिया तो कल आ सकते हैं लोग, परसों आ सकते हैं, और ये कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा हम लोग रेगुलराइज भी कर देंगे। बिल्कुल, तो लोगों का सहयोग भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 8 महीने बाद सिद्धिविनायक मंदिर जो है वो खुलने जा रहा है, और पहले ही लॉट में जैसा कि प्रियंका जी बता रही थी कि भक्त जो हैं उन्होंने बुकिंग कर ली है, और जो भक्त यहाँ आना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा आप दर्शन करना। यहाँ पर गाइडलाइंस जो हैं उसको फॉलो करना होगा, QR कोड के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो भक्त सिद्धिविनायक मंदिर आना चाहते हैं उनका नंबर कब लगता है। कैमरा पर्सन सुभाषीष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।